माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का विषय है ऋण मुक्ति। अभी बहुत सारे साधक अपने पास आते हैं या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी बहुत ऋण हो गया है, तो इसका कोई एक सॉल्यूशन बताइए जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो उसी विषय पर एक वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। इसमें गणपति की उपासना के द्वारा ऋण की मुक्ति का उपाय है, ठीक है। जैसे एक मैंने एक विद्या में बताया था कि किस तरीके से एक वरा दंत पे भैरव की स्थापना होती है, वैसे ही आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एक तांत्रिक उपयोग में आने वाली सामग्री है जिसको कहते हैं हत्था जोड़ी। तो हत्था जोड़ी को जब आप गणपति हत्था जोड़ी पर जब आप गणपति को स्थापित करते हैं ना, तो वो आपको ऋणों से मुक्ति दिलाता है। देखो एक चीज़ समझने वाली है क्या, कि कभी भी जो कर्म आपने सालों में काटे हैं वो चुटकी में खत्म नहीं होता। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि आप हमें कुछ ऐसा बताओ कि तुरंत में मेरा जितना भी ऋण है वो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए थोड़ा समय लगता है। किसी भी क्रिया का एक अपना प्रतिक्रिया का समय होता है, वो लॉ ऑफ नेचर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर बिल्कुल ही एक स्टॉपेज लगा हुआ है, आपका ऋण कुछ भी करके नहीं चुक रहा है, तो फिर ये जो अभी मैं उपाय बताऊंगा, इन सब को करने से आपका वो जो भी रुका हुआ काम है और जो भी ऋण जो आपका नहीं चुकता हो रहा वो चुक जाएगा। सबसे पहले तो अभी मैं एक स्क्रीन पे मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। ये मंत्र गणपति का ऋण मुक्ति मंत्र है। इसको आप अभी से, मतलब अगर अभी से आप शुरू करते हो तो अगले एक साल तक बिना रुके कम से कम 1100 जाप करना। कितने जाप करना है? 1100 पर डे जाप करना है आपको। 1100 छोटा सा मंत्र है, आपको 25 मिनट लगभग लगेगा इसको जाप करने में। इसको आप 25 मिनट हर रोज जाप करो। इससे क्या होगा कि आपके जो ऋण में है वो कटौती होगी, धीरे धीरे आपका ऋण चुकता जाएगा। इसके अलावा एक मैं आपको तंत्र बताता हूँ। ये गणपति का तंत्र है जो हत्था जोड़ी पे चलता है। सबसे पहले तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास जो हत्था जोड़ी है वो ओरिजिनल हत्था जोड़ी है, ठीक है। पूजा दुकान में 100 रुपये में 500 रुपये में हत्था जोड़ी नहीं मिलेगी, ये आपको किसी न किसी माध्यम से मंगाना होगा। और ये जो पेड़ के जड़ वाला हत्था जोड़ी है वो नहीं चलेगा, ओरिजिनल हत्था जोड़ी चाहिए। तो आपको इसमें सामग्री क्या क्या लगनी है, ठीक है। इसमें आपको एक तो नीला धागा लगना है, एक हत्था जोड़ी लगनी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और उसके बाद आपको लगना है पीला रंगा हुआ चावल, उसको हल्दी में रंगिएगा, और एक लाल कपड़ा रखना है जिसका प्रयोग अंत में होगा। इसको आप कब शुरू करिएगा, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप इसको शुरू कीजिएगा, ठीक है। आप सुबह सुबह पूरा स्नान ध्यान कर करके उसके बाद जब पूजा करने बैठिए तो अपने हाथ में हत्था जोड़ी को लीजिए, ठीक है, और उत्तर की तरफ मुंह करके इस पूजा को करना है। जनरली जो भी पूजा हम लोगों की अघोर पद्धति से होती है वो साउथ के तरफ होती है, लेकिन इसका पूजा आपको उत्तर करना है, ठीक है। मतलब ठीक उल्टा, जिधर महादेव कैलाश में बस रहे हैं उसी जगह पर, उसी की तरफ मुख करके हम लोगों की इनकी पूजा करनी है। इसमें करना क्या होता है, ये जो आपने हत्था जोड़ी मंगाया है, इस हत्था जोड़ी पर वो जो नीला धागा है उसको लपेटते जाना है गणपति का मंत्र बोल के। सबसे पहले तो हाथ में वो हत्था जोड़ी लीजिए और गणपति का आह्वान कीजिए, ओम गणानन दहा गणपति गुम हवा महे प्रिया नाम प्रियापति गुम हवा महे निधि नाम निधिपते गुम हवा महे वसुमम अहम जानामि गर्वधम तुम जानासि गर्वधम। उसके बाद एक हाथ में हत्था जोड़ी लेना है, दूसरे में वो नीला जो धागा है वो ले लीजिए और उसको लपेटते जाइए। जैसे एक बार लपेटा, इसको टोटल 110 बार एक बार में लपेटना है आपको। तो 110 बार लपेटने के बाद जो आप लपेटते जाइएगा तो ओम गणगणन गणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः, ऐसा बोलते हुए आपको 110 चक्र पूरा करना है, ठीक है। जब 110 आपका जब पूरा हो जाए उसका उसको रख दीजिए, उसका पूजन कीजिए। जैसे कि पूजन किया जाता है, उसको स्नान कराइए दूध से, घी से, मधु से, गंगा जल से, उसके बाद उसको दीप दिखाए, उसको दीप धूप दिखा के रख दीजिए। उसके बाद फिर 108 जाप करिए, ओम गण गणपतये ऋण हरताये नमः, ऐसा 108 बार आपको जाप करना है।
108 जाप कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो पीले रंग का आपने चावल रखा है उसको उठा के जैसे हवन में आहुति देते हैं ना, वैसे ही इस हत्था जोड़ी के ऊपर आहुति दे करके जो मंत्र आपको बताया था ऋणहर्ता वाला, वो ऋणहर्ताय नमः वाला मंत्र आपको जो है 35 बार पढ़ के उसके ऊपर डाल देना है। ये आपको इस हत्था जोड़ी के ऊपर पूरे नवमी तक करना है, जैसे प्रथम पूजा को शुरू किया नवमी तक खत्म किया। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इसको जो लाल कपड़ा हमने रख रखा है उस लाल कपड़े में इसको लपेट करके और इसके बाद किसी अच्छे स्थान पर रखिएगा। जनरली लोग बोलते हैं कि आप पूजा के स्थान पर रखिए या फिर तिजोरी में रखिए, ऐसा नहीं, इसको आप जमीन दोष कर दीजिए या फिर आप इसको किसी ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ इसको कोई छुए नहीं, तो इसका असर दिखने लगेगा और आप बहुत मतलब 30 से 40 से 45 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपके ऋण में जो भी आपको ऋण था जो कि नहीं खत्म हो रहा था वो ऋण खत्म होने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे टोटके हैं ऋण खत्म करने का, काम रोकने का, वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अगर आप लोगों को अगर साधना में इंटरेस्ट है तो मैंने एक साधना का ग्रुप शुरू किया, पेड ग्रुप है, वो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए www.अघोरतंत्ररहस्य.com, उस पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप एनरोल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को भूत प्रेतों से बात करने में इंटरेस्ट है तो मेरा किताब है आई एम भूत द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इसको आप अमेजन फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन स्टोर से पूरे विश्व में कहीं भी खरीद सकते हो, बुक स्टोर पर भी अवेलेबल। अपॉइंटमेंट के लिए भी मेरा वेबसाइट है www.अघोरतंत्ररहस्य.com, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उस पर भी सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा पे आप बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबको आदेश आदेश अलग आदेश।